सोने का रथ चांदी की पालकी बैठकर जिसमें माँ लक्ष्मी आई देने आपको और आपके परिवार को दिवाली की बधाई। दिवाली पर 300 शब्दों का निबंध। भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में हर प्रकार के त्यौहार धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हर त्यौहार को हमारे देश में विशेष महत्व और सम्मान दिया जाता है। इस कारण ही भारत को पूरे विश्व में त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत में हर दिन कोई ना कोई छोटा त्यौहार जरूर आता है। भारत के बड़े त्योहारों में दिवाली का विशेष महत्व है। दिवाली का त्यौहार भारत ही नहीं पूरे विश्व में बड़ी उमंग के साथ मनाया जाता है। दिवाली के दिन लोग अपने घरों में घी के दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और बाँटते हैं। दिवाली को हर धर्म के लोग मानते हैं और विशेष महत्व भी देते हैं। दिवाली दशहरे के 21 दिन बाद कार्तिक माह में आने वाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में घी के दिए जलाकर अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इस त्यौहार को प्रत्येक भारतीय बड़ी भावना के साथ मनाते हैं। दिवाली को रोशनी का त्यौहार और दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देश के सभी घरों में मिट्टी के दिए जगमगाते हैं और अंधकार का हरण कर देते हैं। इस दिन भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके असुरों के राजा रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने परिवार और अयोध्या को मिट्टी के दियों से घी से जलाकर सजाया था और पूरी अयोध्या नगरी को रोशनी से भर दिया था। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए मनाया जाता है और इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रवेश के संकेत माने जाते हैं। भारत में ऐसी मान्यता है कि अपने घर दुकान ऑफिस की सफाई रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और वहाँ पर प्रवेश करती है। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन नई वस्तुएं खरीदने से भी घर में लक्ष्मी आती है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इसी के साथ हमारा निबंध यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।